भारत ने है जीता मुकाबले को और इसके साथ कर गई है क्वालिफाई सुपर एट्स के अंदर, और ग्रुप ए से पहली टीम बन गई है जिसने किया है क्वालिफाई। यूएसए ने पहले बल्लेबाजी किया कि भारत जीता था टॉस, गेंदबाजी करने का किया फैसला, 110 रन बनाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके जवाब में विराट कोहली का विकेट तो शुरुआत में पहली गेंद पे गिरता नजर आया। अब रोहित शर्मा का भी फेलियर नजर आया, बताएं आपको ऋषभ पंत भी तो आउट हुए, लेकिन फिर सूर्य और शिवम दुबे जिनको प्रदर्शन की दरकार थी, जिनको मेक फॉर्म में वापस आने की दरकार थी, उन्होंने थे खड़े और मुकाबले को भारत के पक्ष में मोड़ा। 7 विकेट से भारत मुकाबले को अपने नाम करता नजर आया, जहां पर हरदीप सिंह की गेंदबाजी 9 रन 4 विकेट लिया, 9 रन देकर 4 विकेट उनके खाते में आई। बताएं आपको जगरिया 0 बनाया 24 13 2 गोल से 11 जोन्स कुमार के 27 15 सीजे एंडरसन के 10 सिंह के 11 सर्वर के। बताएं गेंदबाजी में सिराज ने 4 ओवर में 25 रन दिया, हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट चटकाई 4 ओवर में, 1 ओवर में शिवम दुबे ने 11 रन खाए, अक्षर पटेल ने 3 ओवर में 25 रन दिए 1 विकेट चटकाया। भारत की जब आई बल्लेबाजी तो 3 पे रोहित शर्मा आउट हुए, विराट कोहली 0 बनाकर पहली गेंद पे वापस गए और भरते नजर आए, और ऋषभ पंत 20 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट होते नजर आए। 50 सूर्य कुमार यादव स्काई ने बनाया 49 बॉल लिए जरूर, शिवम दुबे ने 31 बनाया 35 बॉल्स के अंदर। पहली बार हमने गेंद देखा कि जहां पर नजर आया कि वो 5 रन जो पेनल्टी के मिलते नजर आए वो पहली बार होता नजर आया। और बताएं यूएसए का रन रेट पाकिस्तान से नीचे हो गया है, यूएसए का रन रेट पाकिस्तान से नीचे हो गया है। अब दिक्कत वाली ये समस्या कि अब जीतना आवश्यक है, जो अब मुकाबला होगा अगला वहां जीतो तो करोगे क्वालिफाई, और अब पाकिस्तान ना हराए, अगर पाकिस्तान अगर ना हरा पाए आयरलैंड को तो बन जाएगी आपकी बात, या आपका मुकाबला हो जाए रद्द तो भी बन जाएगा आपकी बात। देखते हैं क्या होने वाला है, क्या रुचि नजर आता है, देखने लायक वो सवाल होगा। लेकिन ये मुकाबला भारत ने अपने नाम किया। अगर आप देखो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।